सारा बाद आपको लागू कराया तब आपके डीडीसी बीडीसी प्रधान मेंबर ये होने लगे। आधा अधूरा लागू हुआ। आधा अधूरा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका आरक्षण ग्राम सभा में प्रधानी में मेंबरी में डीडीसी में बीडीसी में प्रमुखी में अध्यक्षी में और मेयर में महापौर में नगर पालिका में टाउन एरिया में वार्ड में ये तो वही भाजपा वाले फिर षड्यंत्र खत्म कर रहे हैं, षड्यंत्र फिर चला है खत्म करने के लिए। लेकिन साथियों आपका आरक्षण आज तक भी लोकसभा विधानसभा में नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया तो पिछड़े लोग मेरे बाबा साहब की बात को नहीं माने। फिर जब मंडल कमीशन लागू कराने की बात आई तब भी पूरी तरह हमारे पिछड़े समाज के लोग नहीं खड़े हुए। और आज अगर जब माननीय बहन जी संघर्ष का पहली बार बक्सी धामनगर जी विधायक होकर के आ गए, 57 में पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त बक्सी धामनगर जी सांसद भी बनकर के आ गए। इसका मतलब समाज हमारा राजनीतिक नहीं था, लेकिन जब दल के बल पर आ गया दल के लोग टिकट देना बंद कर दिया पिछड़ों को हमारे लोग राजनीति में पिछड़ गए। लेकिन जब फिर बहुजन समाज पार्टी बनी लगभग 30-32 तो सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दे करके राजनीतिक जनता पैदा करने समाज के लोग 84 के पहले सैनी साहब इनको चुनाव नहीं मिलता था। पूरे 52% बैकवर्ड के लोग हैं, नेताओं का नाम आएगा के लोगों को नाम अगर आएगा बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद आएगा। और जो लोग भी बने थे क्योंकि हमारे समाज में अक्सर के लोगों की सुना राजनीति समाज की बहुजन समाज पार्टी सामान्य रेंज ने बनाया तो आपकी भागीदारी कितनी हुई, दर्जनों टिकट पाल बघेल के लोगों को, दर्जनों टिकट लोधी के लोगों को, दर्जनों टिकट नाई कश्यप बिंद मल्ला निषाद लोधी जो भी लोग हैं हर समाज के लोगों को दिया गया। सर्व समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि पहले जिस तरीके से अन्य दल के लोगों ने कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया वो भेदभाव बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी, जैसे इसकी जितनी सत्ताधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने देकर के सबको भागीदारी देने का काम किया। और जिस समाज के लोग विधानसभा जीत करके नहीं जा पाए ऐसे समाज के लोगों को मनोनीत करके एमएलसी और राज्यसभा भेजने का काम किया गया। जैसे नाई समाज के लोग अगर विधायक नहीं बन पाए तो हीरा ठाकुर नाई जी को एमएलसी बनाया गया, एक बार बनाया गया दोबारा बनाया गया, रामचंद्र प्रधान नाई को तिवारा बनाया गया, उनकी पत्नी को लखनऊ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, पाल समाज में आपके प्रताप सिंह बघेल को बनाया गया, दयाराम पाल को बनाया गया, प्रभावती पाल को बनाया गया, एसपी सिंह बघेल को राज्यसभा बनाया गया, श्रीराम पाल को राज्यसभा बनाया गया। और यहाँ तक अगर प्रजापति समाज के लोग कम जीत करके आए तो लोकेश प्रजापति जी को भी एमएलसी बनाया गया। विश्वकर्मा लोहार के बेटे अगर नहीं जीत पाए तो कृष्णरानी विश्वकर्मा जी को डायरेक्ट मंत्री बनाया गया। मेरा बघेल जी, जितेंद्र लोधी जी, आरिफ जी, अनिल जी, प्रेम कुमार जी, अरविंद बघेल जी, उदय बघेल जी, बनवारी लाल सक्ता जी, लक्ष्मी जी, रामदास सक्ता जी, सम्मानित साथियों, जो भी मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित साथी हैं, मुख्य जोन इंचार्ज, मंडल जोन इंचार्ज, जिला कमेटी के महासचिव की बीबीएफ के सम्मानित साथियों, विधानसभा के सभी हमारे कमेटी के चाहे बीएसपी बामसेफ बीबीएफ के साथी सेक्टर के पदाधिकारी बूथ के पदाधिकारी सामने बैठे हमारे पिता दूर बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारी बहनें और इस मंडल के जो हमारे बहुत ही सम्मानित चारों जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष और जो साथी हमारे, क्योंकि पदाधिकारी तो गिनती के लोग होते हैं जो बिना पद के भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मान्या बहन जी के साथ संघर्ष करने वाले ऐसे तमाम जंगबाज साथियों को, बहादुरों को
सभी सम्मानित जो इस फील्ड में लोग उपस्थित हैं, मैं सबका अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत देर से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, और मंडल स्तर मीटिंग का मतलब मंडल के चारों जगह के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित हैं। खंड निवेश सबको जाना भी है, इसलिए मैं अपनी बात को जल्द कुछ समय में खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं माननीय बहन जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे दो मिनट बताना चाहता हूँ। मैं 90-92 में बूथ का पदाधिकारी रहा, फिर मैं सेक्टर का अध्यक्ष रहा, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का बीबीएफ का मैं जिला संयोजक रहा, भाईचारे में रहा, राजस्थान प्रदेश का 2008 में मैं प्रभारी रहा, उत्तर प्रदेश में लगभग पूर्वांचल के चित्रकूट झांसी प्रयागराज बनारस आगरा उधर कई मंडलों का मैं भाईचारा देख रहा था। इधर आपके हमारे जो भी कई साथी जो पहले साथ में काम कर चुके हैं, सम्मानित साथियों, मैं ये इसलिए कह रहा था कि तमाम लोग तमाम प्रकार की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन मान्या बहन जी ने एक वर्कर को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज मैं अपने सभी सेक्टर या और भी जो पदाधिकारी हैं, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि मान्या बहन जी ने मुझे नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप सब इस प्रदेश अध्यक्ष के मालिक हैं, सभी लोग प्रदेश के अध्यक्ष। अभी तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा, यदि कोई पीछे करता है कि तो कम से कम 15 आपको जिम्मेदारी मिली है, जब बीएसपी बहुत कमजोर हो गई, हमने कहा ये बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं हो सकती, ये बाबा साहब का मिशन है, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय कांशीराम साहब की सोच है, विचारधारा है, और माननीय बहन जी का संघर्ष है, फोटो खींच मुझे माननीय बहन जी ने इस पद की जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित है, जिस संगठन का जिस मूवमेंट का जब कार्यक्रम उत्साहित हो जाता है वो संगठन अपने आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छा काम करने लगता है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं अब आता हूँ बोल बातों पर। सम्मानित साथियों, इस देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाने का काम किया, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाकर जब सौंप रहे थे उसी वक्त बाबा साहब ने कहा, इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, हमारे मुख्य नियम लागू करने वालों की नियत साफ नहीं रही, मनसा साफ नहीं रही, भी अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। साथियों, इस देश के देखने को मिला उस संविधान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तीन बातों को, और आज इनमें संविधान में चुनौती देने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष है, तो आने वाले समय में इस ग्राम पंचायत का भी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और तुम पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, स्वाभिमान की जिंदगी जीने में आपने पुनः पुनः बाबा साहब संविधान में व्यवस्था, यही आग्रह करूंगा, जल्दी करूंगा की महिलाएं हो, अगर बाबा साहब संविधान आपका मानसिक उन्नयन के लिए आज पढ़ने लिखने का हमारे समाज के आपको बराबर नहीं बैठाया जाता है, वो बैठेंगे कुर्सी पर और स्कूल बैठने को दिया जाता है, स्कूल मंत्री का नाम हो जाता है और आप खुशी खुशी काम करते हैं।
ज्यादातर लोगों को वोट का अधिकार, ये समय आ गया है। लेकिन इससे पहले अम्बेडकर साहब अभी जब ये देश हमारे न्यायालय से आदेश आया था निकाय चुनाव के नहीं पैदा होगा, अब बीसी का आरक्षण खत्म है, तो सभी जाति निकाय चुनाव में बीसी का आरक्षण खत्म। हमारे बीसी के लोगों को ये जान पड़ेगी बीसी आरक्षण होता क्या है। मैंने लोगों से कहा तीसरा मुद्दा क्या है, लगभग 90% बीसी रहती है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत देश में दोहरी गुलामी रही, मंच पर बैठे सभी मंचाशी व दूर दराज से आए हुए सभी भाई बंधु को मैं चरण वंदन करता हूँ। और